राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 15 सितंबर से मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा मंगलवार 2 अक्टूबर को संपन्न हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में राजधानी शिमला में कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों और समाज सेवी संस्थाओं ने भी साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गांधी जयंती के मौके पर शिमला के पोर्टमोर स्कूल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्वच्छता रैली निकाली गई, वहीं नारा लेखन, चित्रकला जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गांधी जयंती के मौके पर सोलन में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने चंबा घाट से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी स्कूली बच्चों ने चंबा घाट से लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगा घाट तक स्वच्छता अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। गुगा घाट स्कूल में सांसद ने छात्रों को गांधी जी के बारे में जानकारी दी। देश जो है वो स्वच्छ बने, स्वच्छता की ओर हम आगे बढ़े ताकि हमारा भारत जो है स्वस्थ रह सके। इस दृष्टि से वो सपना जो अधूरा सपना था वो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और हम जब 150वीं जयंती अपने राष्ट्रपिता बापू की मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज देश के बच्चों से लेकर बूढ़े तक, जवान से लेकर महिला तक, सभी वर्ग के लोग आज इस दिवस को स्वच्छता के साथ जो है हमने इसको जोड़ा है। और आज सोलन में भी हमने चंबा घाट जो म्यूनिसिपल कमेटी का एक वार्ड है वहाँ से ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है और ये बसाल पंचायत से होते हुए जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुग्गा घाट है वहाँ तक जो है ये स्वच्छता अभियान 4 किलोमीटर का हम ले रहे हैं। और सड़क करसोग के अलसिंडी गांव में लक्ष्मी युवक मंडल द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस सफाई अभियान के दूसरे दिन करसोग के विधायक हीरालाल ने युवाओं के साथ अभियान में हिस्सा लिया। युवक मंडल के सचिव कृष्ण शर्मा ने कहा कि सफाई अभियान के माध्यम से युवक मंडल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान के दूसरे दिन युवक मंडल के साथ विधायक हीरालाल और गांव वासियों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं विधायक हीरालाल ने गांधी जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। उन्होंने युवक मंडल अलसिंडी द्वारा चलाए गए इस स्वच्छता अभियान की सराहना की। आज गांधी जयंती में पूरे देश में, पूरे देश के सभी पंचायतों में और पंचायत के सभी गांव में, और आज हमारा महिला मंडल, आज हमारा युवक मंडल, आज सभी लोग इस स्वच्छता अभियान में जो लगे हैं और अपने गांव को स्वच्छ करने के लिए जिनका संकल्प है, आज हम सभी और मैं भी अपने इधर विधानसभा क्षेत्र करसोग के पिंडी पंचायत के अलसिंडी गांव में हमने जो है आज जो है यहां पर स्वच्छता का अभियान छेड़ा है। और आज मेरे साथ यहां के सभी युवा हम मिलकर के जो है ये सफाई अभियान कर रहे हैं और यह स्वच्छता कर रहे हैं और इसे जो है अपने गांव और अपने पंचायत में स्वच्छता वो दिखाई देगी। और हम जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसा अभियान चला करके उन्होंने देश को स्वच्छ करने का जो संकल्प लिया है वो युवा लोग इसमें सब इस अभियान में वो जुड़े हैं। ज्वाली में भी भाजपा मंडल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वाली के विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भेंट करते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में स्वस्थ भारतवासियों को अपनी ज्वाली विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आज जो मुख्य कार्यक्रम है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्वच्छता अभियान के रूप में इसको मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने आज प्रदेश भर के समस्त पाठशालाओं में इस कार्यक्रम को स्वच्छता के रूप में मनाने के लिए आदेश दिए हैं। मनाली में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर मनाली होटलियर्स एसोसिएशन, नगर परिषद मनाली और हिमांचल टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने मनाली के वन विहार में साफ सफाई की।
इस मौके पर अन्य लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं सभी से आह्वान किया गया कि पर्यटन नगरी को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। कुल्लू में भी विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रही। इस मौके पर शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए गांधी जी के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसको मान्य थे स्वच्छता, उसकी दृष्टि से एडवाइज के प्रशासन जो है अपने अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जिले भर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से रक्तदान से रैली निकली, जिसमें स्कूल के बच्चे, महिला मंडल और स्वच्छता के अभियान में भाग लेते हैं, रैली करेंगे और डिफरेंट जो एरिया है उनको साफ करने का प्लान। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।